हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज मैं आप लोगों के साथ में शेयर कर रही हूँ चना दाल वड़े की रेसिपी। तो देखते हैं इसे कैसे बनाते हैं। तो यहाँ पर मैंने चना दाल रात भर भिगा कर रखी थी और ये 1/2 किलो दाल ली है मैंने। और यहाँ पर थोड़ी सी दाल अलग बाउल में निकाल कर रख लेना है, वो बाद में ऐड करेंगे। तो सबसे पहले जार में हमें चना दाल को ऐड कर लेना है। उसे पीस लेना है अदरक और लहसुन डाल के। तो यहाँ पर मैंने 2 प्याज काट लिए हैं, उसके साथ साथ 3 हरी मिर्च, जीरा, कड़ी पत्ता, कोथमीर, अदरक और लहसुन। तो ये अदरक लहसुन को हमें चना दाल में डालकर पीस लेना है। तब हम इसमें ऐड कर देंगे चना दाल में। आप चाहो तो लहसुन अदरक का पेस्ट भी डाल सकते हो। तो अब हम इसे पीस लेंगे और इसमें पानी नहीं डालना है, ड्राई ही पीसना है और इसे दरदरा सा पीसना है। तो यहाँ पर पीस चुकी है हमारी चना दाल। अब एक बाउल में निकाल लेंगे। अब इसमें कटे प्याज ऐड करेंगे। उसी के साथ हरी मिर्ची भी ऐड कर देंगे। और जीरा भी ऐड कर देंगे। और यहाँ पे धनिया के पत्ते भी डाल देंगे। और कड़ी पत्तों को तोड़ कर ऐसे ही डाल दें। आप चाहो तो इसे काट कर भी डाल सकते हैं। अब हल्दी पाउडर 1 चम्मच ऐड करेंगे। मिर्ची पाउडर 1 चम्मच डालेंगे। उसी के साथ साथ 1 चम्मच स्वाद अनुसार ऐड करेंगे। और यहाँ पर 1/2 चम्मच गरम मसाला डाल देंगे। अब यहाँ पर हमें चावल का आटा ले रहे हैं, तो चावल का आटा 2 से 3 चम्मच डाल दें। चावल का आटा इसलिए डालते हैं ताकि चना वड़ा जो है वो सॉफ्ट और कुरकुरे बने। अब यहाँ पर जो बाउल में चना दाल निकाल कर रखे थे वो भी डाल दें। अब अच्छे से मिला रहे सबको। अब इसे हाथों के मदद से गोल गोल राउंड सा शेप देकर से बना ले राउंड शेप देखो। इसी तरह दूसरा भी बना ले राउंड शेप देखो। तो यहाँ पर 2 बन गए हमारे। इस तरह से सब बना लेना है हमें। अब हम चटनी की तैयारी करेंगे। तो यहाँ पर कोथमीर, लहसुन, जीरा और हरी मिर्ची। हरी मिर्ची मैंने 3 ली है, आप चाहो तो 4-5 भी ले सकते हो, जितना तेज या कम जितना ले सकते हो। अब दाल में कोथमीर ऐड करेंगे, मिर्ची ऐड करेंगे, उसके साथ साथ लहसुन जीरा भी ऐड कर देंगे।
आधा चम्मच नमक ऐड कर देंगे और थोड़ा पानी डाल देंगे। अब जावे ढक्कन लगाकर पीस दें। तो यहाँ पर हमारी चटनी तैयार हो चुकी है। अब हम कढ़ाई में ऑयल गरम कर लेंगे और अब यहाँ पर जो हमने वड़े बना कर रखे थे उसे फ्राई कर लेंगे और मीडियम फ्लेम पे ही इसे फ्राई करें और अभी गोल्डन होने तक फ्राई करें। तो यहाँ पर हमारे गोल्डन फ्राई हो चुके हैं। तरीके से हमें सभी को फ्राई कर लेना है। तो यहाँ पर मेरे चना दाल वड़े और चटनी तैयार हो चुकी है। तो मेरी ये रेसिपी कैसी लगी आप लोगों को? अगर अच्छी लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करें। मिलते हैं फिर और नई रेसिपी के साथ। थैंक यू।